आजकल के पेरेंट्स जहां अपनी बिजी स्केड्यूल की वजह से अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही बच्चों को फ़ोन में व्यस्त कर देते हैं। अगर उनके बच्चे किसी भी चीज़ की ज़िद करते हैं या उन्हें उनके काम करने में तकलीफ़ देते हैं, दिक्कत करते हैं, तो आजकल के पेरेंट्स खुद से ही अपने बच्चों को फ़ोन या लैपटॉप दे देते हैं। इस वजह से बच्चों को धीरे धीरे उस चीज़ की लत लग जाती है और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हीं सब चीज़ों पर व्यतीत करने लगते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि बच्चे खाना खाने के वक्त भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, बगैर फ़ोन देखे वो खाना तक नहीं खा पाते। अब ऐसे में आपके बच्चे कहीं वर्चुअल ऑटिज़म का शिकार तो नहीं हो पा रहे? आपको बता दें कि वर्चुअल ऑटिज़म एक ऐसी समस्या है जो कि आजकल के अधिकांश बच्चों में देखी जा रही है। अब हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म क्या होता है, क्यों होता है, उसके लक्षण क्या हैं और अपने बच्चों को आप कैसे वर्चुअल ऑटिज़म के शिकार होने से रोक सकते हैं। यदि आपका बच्चा भी वर्चुअल ऑटिज़म का शिकार हो रहा है या हो चुका है, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चे को सुधार सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं और उनको भी वर्चुअल ऑटिज़म के शिकार होने से बचा सकते हैं, और यदि वो हो चुके हैं तो उन्हें ठीक कर सकते हैं। आजकल के पेरेंट्स अपनी बिजी स्केड्यूल की वजह से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए बच्चे ज़्यादा वक्त अपना स्क्रीन पर बिताते हैं। अब ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर बिताने की वजह से कई बच्चे वर्चुअल ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। अब वर्चुअल ऑटिज़म क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पहचान कैसे की जाए, चलिए बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फ़ोन या स्क्रीन की लत के कारण जब बच्चे का शारीरिक या मानसिक विकास प्रभावित होता है तो उसमें ऑटिज़म जैसे लक्षण नज़र आने लगते हैं। इस कंडीशन को वर्चुअल ऑटिज़म का नाम दिया गया है। ऐसा फोन या स्क्रीन की लत के कारण होता है। वर्चुअल ऑटिज्म की समस्या 3 से 7 साल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। आजकल माता पिता बच्चे को कम उम्र से ही फोन पकड़ा देते हैं, लेकिन इस आदत से बच्चे का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। चलिए जानते हैं वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म से पीड़ित है तो वह बोलते समय स्टैमर करेगा यानी हकलाएगा। ऐसे बच्चे आंखों में आंखें डालकर बात करते समय घबराते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हुए बच्चों में संचार का विकास धीमा होता है। कुछ स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि ऐसे बच्चों का आईक्यू लेवल भी कम होता है। अगर आपके बच्चे में ये लक्षण नजर आ रही हैं, तो घबराए नहीं। इन लक्षणों को बचाव के कुछ आसान उपाय हैं जिसे के मदद से आप अपने बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार से बचा सकते हैं। तो चलिए उन उपायों को विस्तार से जानते हैं। बच्चे का स्क्रीन टाइम सीमित करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चों को खेल खेल में मैथ्स या साइंस के टॉपिक समझाएं। अपने बच्चों को फोन से जानकारी देने के बजाय किताबों का इस्तेमाल करना सिखाएं। छोटे बच्चों को पिक्चर बुक देकर भी आप फोन दूर रख सकते हैं। बच्चे के आउटडोर गेम्स खेलने के लिए ज्यादा उन्हें प्रेरित करें, आप भी उनके साथ जाकर खेलें। बच्चे के स्लीप पैटर्न ट्रैक करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका बच्चा नींद पूरी करके उठे। अपने बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म से बचाने के लिए पहले अपनी आदतों में सुधार करें। आपको देखकर बच्चे आदतों को सीखते हैं और वर्चुअल ऑटिज्म की समस्या अनुवांशिक भी हो सकती है, इसलिए अपना स्क्रीन टाइम भी आप कम कर लें। अगर आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा हो हमारे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं।